नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह, वन औषधि पादप बोर्ड छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष। हमारे तज्ञ वैद्यों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चिकित्सीय कार्य के माध्यम से ग्रामीण जनों की इलाज होता रहा है। चिकित्सा पद्धति के आधुनिकीकरण एवं कुप्रचार के कारण परंपरागत चिकित्सीय पद्धति वैद्यों के माध्यम से चलने वाली पद्धति का आधुनिकीकरण न होना कहीं न कहीं ये विलुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। बोर्ड के माध्यम से निश्चित रूप से पुनः इसका अभिलेखीकरण, दस्तावेजीकरण के माध्यम से कुछ विशेष दवाई एवं उसके प्रक्रियाओं का पेटेंटीकरण करने का प्रयास भी किया जा रहा है। QCI के माध्यम से सर्टिफिकेशन का काम भी प्रारंभ किया गया है। वनऔषधि 2018 छत्तीसगढ़ UOI MU के माध्यम से निष्पादन के माध्यम से हमारे वैद्यों को प्रशिक्षण एवं उनके सर्टिफिकेशन का काम भी प्रारंभ किया गया है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, इस पद्धति के प्रति आस्था और विश्वास बने। इसी कड़ी में इसके प्रचार प्रसार के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वनोच्छादित प्रदेश है और इन्हीं वनों में बसा है आयुर्वेद। परंपरा को आगे बढ़ाते पारंपरिक वैद्य जो जड़ी बूटियों से प्राकृतिक उपचार करते आ रहे हैं। हम जा रहे हैं ऐसे ही एक वैद्य से मिलने। धमतरी जिले से नगरी सिहावा रोड पर स्थित है ग्राम दुगली और दुगली से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम बांधा, जहां वैद्यराज दशरथ नेताम रहते हैं। दशरथ नेताम मुख्य रूप से लकवा का इलाज करते हैं। लकवा के अलावा वात, मिर्गी, शुगर, पेट संबंधी रोगों का इलाज भी करते आ रहे हैं। मुख्य रोग तो लकवा का इलाज करता हूँ। कब से लकवा का इलाज कर रहे हैं? लकवा तो जैसे इसको इलाज कर रहा हूँ वहाँ से शुरू से, और लकवा तो डेली तो नहीं आता, कभी किसी को कोई क्षेत्र में मारता है वैसे लोग, तो उसी के अंतर जो मैं तो जनरल टाइप का इलाज भी जैसे स्थिति में आते हैं वैसे, कोई खाव खुजली होता है, किसी का पीलिया होता है, किसी का बुखार होता है, किसी के सिर दर्द अन्य अन्य ऐसे आते, तो उसी बीच में सभी को जनरल टाइप का इलाज करता हूँ, जैसे आएंगे तो वैसे करते हैं। दशरथ नेताम ने जड़ी बूटियों से इलाज करने की विद्या अपने घर के सियान अर्थात दादा परदादा से सीखा है। वैद्यराज मरीज की नाड़ी छूकर जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। वैद्यराज बताते हैं कि किसी को भी लकवा हो तो 8 घंटे के अंतराल में यदि वो उनके पास पहुंचते हैं तो वे मात्र 2 घंटे में उन्हें ठीक कर सकते हैं। उसको जैसे किसी को लकवा मार दिया तो उसको 8 घंटा का अंतराल, 8 घंटा का अंतराल में कोई पहुंच गया तो उसको ठीक करने पर 2 घंटा लगता है। 8 घंटा का अंतराल में कोई पहुंच गया इस जगह में तो 2 घंटा इलाज होगा, तो 2 घंटा का अंतराल में पूरा घूमेगा वो, और ऐसा हुआ है। और अगर कोई पुराना मरीज और जो पुराना है तो उसको कम से कम 3 महीना लगता है, 3 महीना लगता है उसका ये करने पर, तो ऐसे ही होता है यहाँ। जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए वे अपने सहायक वैद्यों के साथ जंगल जाते हैं। घनघोर जंगल और भूल भुलैया जैसे रास्तों से होकर कोटेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचते हैं। वहां विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात जड़ी बूटियां ढूंढने का कार्य किया जाता है।
सभी वैद्य जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगते हैं। कुछ विलुप्त होती जड़ी बूटियों को वैद्यराज स्वयं ही एक बागवानी के रूप में संरक्षित किए हुए हैं, जहां उन्होंने 20 से 25 प्रकार के औषधीय पौधे लगाए हैं। साथ ही सरकार से भी वे आशान्वित हैं। जड़ी बूटिया अने उरका थे ओकर बारे से हमने जग जगह जात हम दूर दूर से अने मिला थे पौधा हा वो हा मिल जाते तो इसे ला एक जगह लान के इकट्ठा करें हैं, तो कम से कम हम यहाँ 20 प्रकार के अने औषधि अने जड़ी बूटी लगाए हैं और लगा रहे हैं और वहाँ और लगाएंगे। अभी कहीं कहीं आओ जैसे जैसे मिलते जाएगा और कहीं भी है क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो या गरियाबंद क्षेत्र हो या उड़ीसा हो या बस्तर हो, कहीं भी मिल जाएगा तो उसको हम एक कट्ठा यहाँ लगाएंगे और उसको हम स्वयं उसको हम सुरक्षा भी करेंगे, रखवारी करेंगे। ये हमारा प्लान है और यहीं लगाकर इसको लाभ पहुँचाएंगे। और बार बार तो मैं शासन प्रशासन में यही निवेदन करता हूँ, कम से कम शासन के ज़मीन में लग तो जाए। आज हम लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी देखेगा, आने वाली पीढ़ी सुरक्षा होगा। वनौषधि इकट्ठा करने का निश्चित समय होता है, इस संबंध में वैद्यराज बताते हैं। वो दवाई खोदना है तो बरसात में ना खोदिए। मैं इसका बार बार मैं इसका निवेदन करता हूँ और हर जगह बताता हूँ, दवाई खोदना है तो कम से कम सावन फागुन या मांग के आसपास या चैत में गर्मी में खोदे। तो झाड़ में जो शक्ति चढ़ रहता है, इसका जो शक्ति चढ़ रहता है अभी झाड़ या पत्ता में है, जड़ का जड़ या छाल या जतना है तो झाड़ पत्ता में चढ़ा है, वो पत्ता झड़ने दो। झड़ जाएगा ना तो शक्ति धीरे धीरे उसके जड़ या छाल में आएगा, वो अच्छा काम करता है। वैद्यराज के यहाँ दूर दूर से इलाज कराने के लिए लोग यहाँ आते हैं। मरीज अगर ज्यादा गंभीर है तो वहाँ मरीजों के ठहरने की व्यवस्था भी है। महीनों रहकर मरीज अपना इलाज कराते हैं। परिवार के सदस्य मरीजों के लिए भोजन तक बनाते हैं। मरीज तो बहुत दूर दूर से, झारखंड से भी आया है, उत्तर प्रदेश से आया है, इधर तो हरिद्वार से आए हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं, इधर बचेली दंतेवाड़ा से भी आए हैं, काफ़ी आदमी आए हैं। बाहर से भी मरीज आते हैं, यहाँ रुकते हैं, तो उनके रुकने वगैरह की क्या व्यवस्था रहती है? अब व्यवस्था ही दे अत्री हवे और जहाँ पर हैं यात्री में गुजारा बसा रहे, और रुकने के लिए तो और साधन तो नहीं है मेरे पास। और उनका खाना पीना कैसा होता है? अब खाना पीना जो जानते हैं कि वहाँ जा रहे हैं, हमको दोपहर रुकेंगे ऐसे कहते, कोई चावल धर के आता है और कोई अचानक भी ऐसे ही भी आता है, तो हमारे जगह जो चावल बनता है उसको जब हम खाना खाने बैठते हैं तो उसको भी साथ में बिठा कर खिलाते हैं कि देखते हैं कि वास्तविक में घर में खाना खाता है या नहीं खाता है, ये हमको अनुभव लगता है। तो हमारे साथ खाता है तो कुछ खाता है, तो हम पूछते हैं कि वास्तविक तुम घर में कितना खाना खाते हो या नहीं खाते हो, उस पूछते हैं तो नहीं पापा मैं घर में को कन नहीं खा रहे, लेकिन यहाँ ने तोर साथ में बैठ के जाती खाएँ कहीं के बताए, तो उसका आधार से जैसे चावल लाए तो हमारे साथ में बैठा के खिलाते हैं। कांकेर जिले के हलवा गाँव की रहने वाली मीना नागवंशी, जिनके पेट में गोला बन गया था, हॉस्पिटल के चक्कर काटते और डॉक्टरों के जवाब सुनकर थक चुकी थी, तब उन्होंने वैद्यराज के पास अपना इलाज कराना शुरू किया। कुछ ही दिनों के पश्चात उनको बहुत राहत मिली। मेरे जो है पेट में प्रॉब्लम थे, यहाँ पर गोला थे पेट में, पूरा सोनोग्राफी स्कैन सीटी स्कैन कराए, हर चीज कराए सर, लेकिन मेरे को डॉक्टर लोग इतने घुमा के रख दिए सर और बढ़ गए थे सर, मैं बता नहीं सकती थी। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? मतलब तेरे लीवर में सूजन है, यहाँ पर सूजन है, ऐसे करके मेरे को बोल रहे थे सर। डरा दिए जी सर, मैं बहुत उपचार करा थी, पूरा गर्मी भर घूम गई सर, लेकिन मेरे कहीं जगह इलाज नहीं हुआ सर, और आज यहाँ आकर मैं ठीक हो रही हूँ सर। ऐसे ही कांकेर के नरहरपुर ब्लॉक के ग्राम डूमर पानी की रहने वाली अनीता कोडापी को 2013 में लकवा का झटका लगा।
स्थानीय इलाज के पश्चात वो थोड़ा ठीक हुई, लेकिन 2014 में लकवा के एक और झटके ने उन्हें कोमा में पहुंचा दिया। आनन फानन में अनिता को रायपुर के नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां भी उनका इलाज नहीं हो सका। अनिता के पति अनिता के इलाज में 4 लाख से भी ज्यादा खर्च कर चुके थे। अनिता के पति सुरीत राम ने रातों रात अपनी पत्नी को एम्बुलेंस बुलाकर दशरथ नेताम के पास बांधा ले आए। पति सुरीत राम के साहस और वैद्यराज की चिकित्सा ने रंग लाया। अनिता कोमा से बाहर आ गईं और लाठी के सहारे चलने लगी। 14 अक्टूबर 2015 को अचानक बड़ा सा दांत वांत चबा दिए थे। नारायणन रायपुर वहाँ ले गए, करीब करीब वहाँ 15-20 रोज वहाँ रहे। आईसीयू में डाल के रखे थे तो 5 मिनट मिलने देते थे, ठीक हो रहा है, इलाज हो रहा है, वैसे कहते कहते 5 लाख करीब पैसा ख़त्म हो गया। अंत में मैं बोला डॉक्टर से कि इतना मेरा पैसा खर्च हो चुका है और कोई रिजल्ट मुझे नहीं आ रहा है, उससे अच्छा मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया, मुझे रिलीफ कर दो। डॉक्टर से बहुत बहस हुए हम लोग, मर जाएगा तो कुछ हो जाएगा तो, बोले आप क्या किए, इतने रुपए खा गए और कोई रिजल्ट नहीं बता रहे, मेरे को रिलीफ करो। बोले तो वहाँ से यहीं चलाने के लिए डायरेक्ट एम्बुलेंस किया, प्राइवेट रायपुर से डायरेक्ट यहाँ करीब 2-2.5 बजे रात्रि में पहुँचे और यहाँ से ठीक हो गए हैं। अभी भी ऐसे बिना लाठी के चल रहे हैं। प्रकृति के बीच रहकर प्राकृतिक रूप से इलाज करते ये वैद्यराज निस्वार्थ भाव से लगे हैं मरीजों की सेवा में। इस परंपरा को जीवित रखने के लिए अपने शिष्यों और परिवार के सदस्यों को भी सिखा रहे हैं। उनका मानना है कि ये विद्या सबके पास होनी चाहिए, अगर कोई सीखना चाहे तो वे जरूर सिखाएंगे। हाँ, अब चला रहा हूँ अभी। हाँ, अब कुछ समय वो रहते हैं और वो सिखाएंगे तब तो आने वाली पीढ़ी जानेंगे, और इसको यहीं तक रखेंगे तो कहाँ से होगा, तो उसको सिखा रहे हैं अभी। जितना आएंगे उसको सबको सिखाऊंगा, कोई जाति भात नहीं, सबको सिखा कर मेरा धैर्य है। कम से कम हम आज 10 बैठे तो 10 ना बैठे, 50 बैठे, 100 बैठे, एक साथ हो जाएगा, 2 घंटे में काम हो जाएगा। तो 10 जन यानी 1 घंटे में हम 10 आदमी को भी सिखा सकते, 20 आदमी को भी सिखा, लेकिन धैर्य बना के चलाऊँ कि हम आने वाले पीढ़ी और ये जीवित रखने कर, पौधा भी जीवित रहे और इलाज करे पर भी जीवित रहे। जड़ी बूटियों को कूट पीस कर दवाई बनाने का कार्य परिवार के सदस्यों के साथ सहायक वैद्य भी करते हैं। दवाई के छोटे छोटे गोले बनाकर पैकिंग किया जाता है और बहुत ही व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। वैद्यराज दशरथ नेताम तंत्र विद्या भी जानते हैं, भूत प्रेत को भी अपने तंत्र मंत्र से भगाने का दावा करते हैं। भगवान शिव जी के भक्त ये वैद्यराज साधना में लीन रहते हैं, इसी से इन्हें शक्ति मिलती है। आज ये वैद्यराज गांव-गांव में जाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, साथ में झूमते गाते साथी वैद्यराज उनके इस निस्वार्थ कार्य को कंधे से कंधा मिलाकर आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हाथी जोड़ी के विनय करके, हाथी जोड़ी के विनय करके, औषधि की करते प्रणाम। गुरुदेव जी सबको वैद्यों को उबारो आप, गुरु जी सब रोगों को निसिहार करो आप। पूर्वज ने बताया है जड़ी बूटी खाया है, खाया है खवाया है, इतना को अच्छा बनाया है, तंदुरुस्त भी कराया है, रोगों को भगाया है। जड़ी बूटी अच्छा है, बिल्कुल सच्चा।